Hi Navjeet, I'm sending you the live video request. Hi Navjeet. Hi, hi Niharika, how are you? I'm good, how are you? I'm good too. Thank you. Okay, so I guess अभी ग्राउंड से आए हो आप. एग्जैक्टली आज एक्चुअली बर्थडे था यहाँ पे कोहली मैम का, तो इसलिए वहां थोड़ा लेट हो ओके, गए. ऑल राइट, या नो प्रॉब्लम. ओके, सो हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीवन? एवरीथिंग इज गुड, फाइन. व्हाट अबाउट यू? ग्रेट. या एवरीथिंग्स ग्रेट. और कैसा चल रहा है एनआईएस में? अब तो आपको प्रैक्टिस करने का स्टार्ट हो गया होगा ना? हाँ, अभी इन्होंने कर दिया है अलाउ, तो अभी कर रहे हैं पिछले 2 महीने से. सो इट इज गोइंग गुड. आप बताओ, आपका कैसे चल रही है प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग? ओ, बहुत अच्छा चल रहा है. आई तो मैं तो यहीं पे एक लोकल ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हूँ, सो एनीवेज वहां ओके. पे लाइक एनीबडी कैन डू इट, सो देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शंस एज सच. तो इट्स ओके. गुड, लाइक वी हैव अ पर्सनल ग्राउंड टाइप, सो वहीं पे करती हूँ. ऑलराइट, हाँ नहीं, सही है. पर्सनल में हम थोड़ा फ्री फील करते हैं, तो आई थिंक दैट इज गुड. हाँ, एग्जैक्टली. तो अभी आपको या ऐसे टाइम स्लॉट्स वगैरह मिले हैं कि इतने में इतने लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस, ऐसा कुछ है हाँ, सिस्टम? ऐसे ऐसे है. जैसे सुबह मॉर्निंग में हमारे 400 मीटर वाले एथलीट्स ही करते हैं, और इवनिंग में मोस्टली ओके. हमारे सेशन होते हैं जैसे. लेकिन अभी मैं रिहैब कर रही हूँ साथ साथ में, तो फिर मॉर्निंग भी ओके, एक आध घंटा करके फिर इवनिंग में फिर ऑल से राइट, करते हैं. या सो ओके, इसलिए अभी तो सही चल रहा है अंदर. ऑल राइट. और बाहर या जाना अलाउ कर दिया क्या आप? कि आर यू स्टिल स्टेइंग नहीं, इन ओ एनआई? हाँ, अब अच्छा. या हाँ, अभी अलाउ नहीं किया बाहर जाना, तो हम पिछले 5 या महीने से अंदर ही हैं. लाइक वी आर स्टक हाँ, ओ, क्वारंटाइन में ही रखा है हाँ मैंने, बहुत यस. बुरे तरह से क्वारंटाइन में रखा है. ओ गॉड, दैट वुड बी मन, काफी या मन होगा ना बाहर जाने का, ये खत्म होए एंड हम जाएं बाहर, हाँ, ऐसे बिकॉज ऐसे तो एक लगता ही है कि इतनी देर अंदर बैठे बैठे इतनी इरिटेशन होने लग गई है ना, कि अब ये है कि जल्दी जल्दी से ये वैक्सीन आए, हम लोग लगाएं, और जल्दी जल्दी या हम लोग यहाँ से बाहर जाएं. एग्जैक्टली, यस. होपफुली दैट हैपेंस सून. एंड वैसे तो या एनआईयूएस भी काफी बड़ा है, आप वैसे ही घूम लेते हो गया अंदर हाँ, ही. वैसे यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन रख रखी है उन्होंने, कि एथलीट्स को वहां अलाउ नहीं अच्छा, करना हमारी सेफ्टी के लिए, वहां नहीं जाना क्योंकि बाहर से वर्कर आते हैं, तो ओके, चलो इसलिए अभी इतना है नहीं, अलाउ नहीं है कहीं पे ऐसे फ्रीली घूमना अभी. कोई बात नहीं, लेट्स सी, गुड डेज विल बी कमिंग सून. एंड ओके, सो नवजीत, आई हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चंस फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू आस्क देम, सो ओके, आपको जैसा भी लगे. एंड सम श्योर. ऑफ माई फॉलोअर्स, दे मेड सम रिक्वेस्ट कि थोड़ा जे आप थोड़ा पंजाबी च गल कर देंगे तो वधिया रहता. नहीं, मेरे फॉलोअर्स भी बड़ी रिक्वेस्ट आती है कि लाइव से थोड़ी बहुत पंजाबी बोलिया करो, तो आप ज्यादा पंजाबी से भी कन्वर्सेशन करांगे अपनी, कोई गल नहीं. यस, राइट, ऑल राइट, ओके. बिल्कुल. सो यू आर फ्री टू आंसर देम इन एनी लैंग्वेज. सो ओके, सो ओके. मैं पूछती हूँ. ओके ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट चेंजेस यू मेड इन योर प्लान व्हेन यू केम टू नो दैट अबाउट लॉकडाउन एंड पोस्टपोनमेंट ऑफ 2020, टोक्यो 2020 एंड कैंसिलेशन ऑफ अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन? सो फिर क्या, मतलब क्या प्लान आपका हुआ जब आपको पता चला कि अभी लॉकडाउन हो जाएगा एकदम से प्रैक्टिस? तो क्या फीलिंग थी तभी तो नवजीत? अब हमें तो जैसे पता था कि हमारे ग्रैंड प्रिक्स शुरू होने वाले थे लॉकडाउन से एक हाँ, हफ्ते या बाद, एग्जैक्टली तो फिर हमारा फेडरेशन कप कंपटीशन होने वाला था थोड़े एग्जैक्टली टाइम. तो हमारा या हाँ, फिर प्रिपरेशन सारी वधिया चल रही पई सी. एवरीथिंग वाज सो गुड. मतलब एक बार जिदा पूरे साल प्रिपेयर करते पीक ते आए हाँ, सो वी वर एक्सपेक्टिंग ना कि अगे जाके हुण वधिया होगा, अब कंपटीशन मिलेंगे चार पांच ते आपा वधिया परफॉर्म करांगे. पर वो एकदम होया, आई थिंक नॉट ओनली आपा जिहड़ा अंदर बैठे हैं या जिहड़े कैंपर है उन्होंने अलावा भी तुसीं लोकां नूं भी एकदम झटका लगा होना है कि अहीं प्रिपेयर करांगे हां कंपटीशन आने वाले. मैं सो इनफैक्ट मैं भी ग्रैंड प्रिक्स लाई, मैं भी ओ पढ़िया सी अपना. ते फिर हाँ जी. उन्होंने पहला किया सी कि सिर्फ एथलीट्स नू अलाउ करेंगे, कि नाल कोच वगैरह कोई नहीं आ सकते, बट देन उन्होंने बाद च ओ भी कैंसल करता. कैंसल करता सी. एग्जैक्टली या या फिर वो काफी काफी प्रॉब्लम हुई सारे नहीं मिला था, ऑल ओवर जितने भी एथलीट सी अपने से जितने से भी ट्रेनिंग करन दे, क्योंकि सारे ने ऑलमोस्ट एंट्रीज कर दी थी. फिर एकदम यस, जदों राइट. ये होया, फिर उस तो बाद सानू लगा चलो 1-1.5 महीने लिए होगा, वी कैन जस्ट हाँ टेक अ पॉज, हाँ है ना, जी चलो एक वधिया नोट हाँ दे. जी
ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਵੱਧਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਓਲੰਪਿਕ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਐਥਲੀਟਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹਨਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਓਪਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚ ਵੀ ਕੈਨ ਗਿਵ ਆਰ ਬੈਸਟ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲ ਆਪਣੇ ਵੀਕਸ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵਰਕਆਊਟ ਬਸ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਫਿਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਹੋਸਟਲ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ, ਫਿਰ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਮੈਨੇਜ ਐਵਰੀਥਿੰਗ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਉਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਆਊਟ ਕਰੋ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਨੋ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੇ ਕੰਮ ਚਲੋ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਲਾਈਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਕਸ ਪੈਕ ਐਜ ਏ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾ ਫਿਰ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗਸ ਨਾ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਅ ਲੋਟ ਫਰੋਮ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਸੋ ਇਨ ਅ ਵੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਚ ਬੈਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ 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 ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਵਾਸ ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਐਨੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਥਿਸ ਈਅਰ, ਇਫ ਐਨੀ ਵਿਲ ਯੂ ਕੰਪੀਟ? If there would be, then definitely I will be, because abhi tak kuch sure nahi hua hana, aap nu pata nahi aaj ki competition idda honge, par AFI ne jidda kuch list kaddi ya, ek calendar taiyar kita ya, but that is not sure, agar mahol sab kuch theek ho, everything would be fine, then definitely there would be competition, and I think every athlete is actually waiting for the competition only, ki bilkul basically koi competition mil jaye taaki apan apni you know fitness ek var fitness level check kar liye taaki apan kithe ajay stand kar rahe hain exactly exactly so hune match bahar ta inhone start kar diya hune jehdi Monaco Diamond League ho rahi hai exactly mere khayal ch India ch zyada inhone kuch corona da dar hai bahar ta inhone karta hai start bahar ha bilkul exactly USA competition national zero ho gaya ya Poland bhi vekh lo har jagah te competition ho rahe ha par ajay ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਰਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਮੇ ਬੀ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਸਟਾਰਟ ਸਮਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਯੂ ਨੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। Right. Okay, yeah. मतलब काफी फॉलोअर्स कह रहे हैं, उन्होंने कमेंट आ रहे हैं कि आप हिंदी या इंग्लिश की गल करिए बिकॉज़ उन्होंने पंजाबी समझ नहीं आ रही। ओके हिंदी में बात करते हैं ताकि हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज, सो लेट्स टॉक इन हिंदी। यस राइट एंड इट्स इंडिपेंडेंस डे, लेट्स टॉक हिंदी। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर नो क्लैरिटी अबाउट कॉम्पिटिशंस? ओके अभी हमको पता नहीं है कि कोई कॉम्पिटिशन्स अभी कुछ ऐसे डामाडोल से ही है कि कॉम्पिटिशन्स होंगे या नहीं होंगे, तो उस सिचुएशन में कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि ऑफ सीजन लगा रहे हैं या फिर फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, कैसे कर रहे हो आप? एक्चुअली मुझे फॉलोवर तो बड़े तगड़े, गुरदीप यस ब्रो पीछे पांडा बिकॉज आई लव पांडा। ओके सो द थिंग इज कि अभी आई थिंक कि ऑफ सीजन लगाने का ही फायदा है, बिकॉज आई थिंक कि दैट इज मच बेटर कि हम लोग अपनी फिटनेस मेंटेन करके रखें,
क्योंकि सीजन अगर हमें पता चल जाता है कि 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद कॉम्पिटिशन है, सो वी कैन गो विद द स्पीड वर्कआउट एटलीस्ट 1 month, आई थिंक दैट वुड बी इनफ. बट राइट नाउ वी शुड गो विद द ऑफ सीजन ओनली, आई थिंक कि वही बेस्ट रहेगा. या हाँ जी, या चलो बढ़िया. मैं तो आप मैं तो खुद ऑफ सीजन लगा रही हूँ, तो अच्छा है, थोड़ा लंबा हो जाएगा बट फिर वो सीजन वर्कआउट सीजन में परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी. अभी वो इतना कमियां जितनी भी है हमारी, वो तो उस पे हम कवर अप कर सकते हैं, वो टाइम है अपने पास. हाँ जी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, ओके ओके जैसे अभी काफी जो एथलीट्स हैं जो अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 20 की कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते थे, अब कईयों का ये लॉकडाउन की वजह से वो कैटेगरी से बाहर, जैसे 16 वाला 17 इयर्स का हो गया, 18 वाला उसका, 20 अंडर 20 वाले अब सीनियर बन गए हैं, तो क्या लगता है कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस उनके बारे में, मतलब आपका क्या है कि उनको ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने लूज की है या कैसे आपके क्या सजेशन? एग्जैक्टली, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. वो मतलब काफी मुश्किल, क्योंकि प्रिपेयर कर रहे थे उनको ये था कि हम जूनियर में कम्पीट करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जूनियर में जब हम लोग कम्पीट करते हैं इंटरनेशनल लेवल, दे वी गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर. यस राइट राइट. बट द थिंग इज कि हम कुछ कर नहीं सकते, सो इट इज बेटर टू थिंक कि अगर जो अंडर 20 वाले सीनियर में हो गए हैं, जस्ट थिंक अ पॉजिटिव साइड कि अगर हम सीनियर में कम्पीट करेंगे दैट वुड बी मच बेनिफिशियल देन कम्पीटिंग इन द जूनियर्स. हाँ जी वो तो है, राइट. वो तो है कि अभी हमें तो बस इस चीज को अब ये मान के चलना है कि जो भी हो रहा है इट इज गुड फॉर अस. सो बस जो हो गया लेट इट गो एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू इन द फ्यूचर. आई थिंक दैट विल गिव यू अ पॉजिटिव नोट. एग्जैक्टली, वी हैव टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक. इनफैक्ट इस साल उन्होंने फर्स्ट टाइम ही अंडर 23 चैंपियनशिप करानी थी, एंड तभी तो जो हाँ वही जो अंडर 23 के एक आधा साल ही कम होंगे अगर वो 23 के, तो उनको ये एक ही पहले अपॉर्चुनिटी थी और वो पहले ही मिस हो गई होगी. बट आई थिंक कि वो यही सोच के चले कि अंडर 23 होनी ही नहीं थी, ताकि हाँ, इतने मन को ठेस ना पहुंचे, ताकि इतना डिमोटिवेटेड फील ना करें. सो आई थिंक वही एक ऑप्शन है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एब्सोल्युटली. ओके ओके, तो जब आप ओके, हाउ वर यू वर्किंग फ्रॉम होम एंड हाउ डिड यू यूज द रिसोर्सेज? तो जब आप अपने घर पे ही कर, अपने ऑब्वियसली हॉस्टल में ही कर रहे थे, तो आप कैसे वो क्या क्या वर्कआउट कर रहे थे और क्या कैसे यूज कर रहे थे रिसोर्सेज को? लेट मी बी वेरी फ्रैंक, पहले 1-1.5 हफ्ते मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि लोड मतलब ऐसे लगा था कि ग्राउंड से छुट्टी मिल गया तो लेट्स जस्ट चिल, क्योंकि ये था कि हम जल्दी शुरू हो जाएगा वर्कआउट तो फिर हम लोग बाहर जाके ट्रेनिंग कर पाएंगे. तो जब वो सब नहीं हुआ था तो आई एम अ थ्रोअर, तो आई जस्ट स्टार्टेड लिफ्टिंग अवर 400 मीटर एथलीट्स. तो मैं उनको कंधे पे रखे, आई स्टार्टेड डूइंग स्क्वाट्स एंड ऑल, यू नो. या सो बैडमिंटन था कुछ पास में, तो वी यूज टू प्ले बैडमिंटन एंड कुछ हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं यहाँ पे, तो उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे हम लोग. बट इट वॉज मतलब अंदर रह के माइंड को कैसे हमने ऐसे कंट्रोल करके रखा है, वी पीपल ओनली नो. बिकॉज इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कई बार कि नहीं, वी जस्ट वांट टू गो आउट फ्रॉम हेयर, लेकिन फिर सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे बैठे हैं, वी शुड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हेयर ना, क्योंकि कई बार पता नहीं होता किस टाइम पे किस सिचुएशन में फंस जाए. तो ठीक है, अभी तो जो है फिजिकली का तो पता नहीं, लेकिन क्वारंटीन ने मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया एथलीट्स को. नाउ वी आर यू नो, उन्होंने हम कोई भी सिचुएशन के लिए हमको ऑल प्रिपेयर कर दिया है, मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो हम ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड है कुछ ऐसा फंस भी जाए कहीं पे तो वी आर प्रिपेयर. या एब्सोल्युटली. और मम्मा आए थे क्या मिलने या कोई ऐसे घर वालों से? पापा तो वहीं पे हैं. नहीं नहीं, पापा भी नहीं है अभी, लास्ट के ब्रदर की मैरिज थी तो दे वेंट ऑफ फ्रॉम हियर. तो अभी मैं अकेले, लास्ट 5-6 मंथ मेरे ख्याल से इतनी देर में कभी घर से दूर रही नहीं हूँ, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम. तो घर पे भी सभी को ये होता है कि यार आओ आके मिलो, है ना, बिकॉज दे एवरीवन इज मिसिंग ओवर देयर. पर ठीक है, अभी यहाँ पे अब गोल्स, छोटे छोटे गोल्स लेके चल रहे हैं कि चलो अभी फिलहाल हम इस चीज पे फोकस करते हैं, अगर वेट ट्रेनिंग है तो वेट ट्रेनिंग बढ़ाते हैं, यू नो. तो अभी ठीक है, लेकिन हम बाहर की दुनिया बहुत मिस कर रहे हैं. एग्जैक्टली, नॉट ओनली मी, लाइक एवरी एथलीट जो भी अंदर है वो सभी ये है कि यार एक बार छुट्टी मिल जाए हम लोग घर जाए. बट
चलो दे आर नॉट अलाउइंग अस. क्या लगता है कि या कब एग्जैक्टली. तक आपको वहां पे रखेंगे NIS में डोंट नो येट, कुछ नहीं कह सकते बिकॉज दे आर सेइंग कि हम चलो वो लोग अपने तरफ से सेफ्टी रख रहे हैं क्योंकि बैंगलोर में अभी हाँ कुछ जी एथलीट्स जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं. हाँ जी तो हाँ जी हाँ उस जी हम वैसे देवर ऑलमोस्ट ट्राइंग टू सेंड अस होम, अभी थोड़े दिन पहले ही बात, जैसे वो न्यूज आई दे गेट स्केयर्ड कि अगर हम अपने एथलीट्स भेजेंगे अगर उनको कोरोना हो गया या कुछ हो गया तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट ना. तो वो अपनी एग्जैक्टली तरफ से सेफ्टी रख के चल रहे हैं. तो अभी मेरे ख्याल से सितंबर तक कुछ नहीं पता, अगर थोड़ा माहौल ठीक होगा देन दे विल सेंड एंड विल होप फॉर द बेस्ट. राइट. या तो सामान वगैरह कुछ चाहिए होता है बाहर से, फिर ऑनलाइन आ रहा है वो सामान सारा. कुछ कुछ चीजें ऑनलाइन आ रही है, कुछ ये हमें थोड़ी हेल्प कर रहे हैं जैसे ईडी है और वो अंदर मार्केट वगैरह लगा रहे हैं कुछ सामान जितना भी सैनिटाइज ओके करके, तो अच्छा वो हाँ तो वो अंदर लगा रहे हैं कि हाँ अगर कोई रिसोर्सेज वगैरह इनको चाहिए तो दे आर ट्राइंग प्रोवाइडिंग अस, अभी ठीक कुछ अपनी है तरफ से तो कर ही रहे हैं. या राइट चलो एग्जैक्टली. ओके ओके सो या क्या आपको क्या लगता है कि जो ओलंपिक्स 2020 पोस्टपोन हुए हैं एक साल, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, उन एथलीट्स के लिए जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था प्रिपेयर करने के लिए? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे तो लगता है कि जिन जैसे मतलब आई वाज आल्सो थिंकिंग कि थोड़ा टाइम मिल जाता तो अच्छा हो जाता था, लेकिन हाँ कुछ जो एथलीट्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं उन हाँ लोगों के लिए जी बहुत जैसे डिस्करेज हुए हैं वो कुछ लोग कि हम लोगों ने हाँ ऑलरेडी जी क्वालिफाई हाँ कर दिया था, वी वर क्वालिफाई रेडी कर टू. लिया था. हाँ हाँ लाइक जी अभी हमारे हमारे भी कॉम्पिटिशन शुरू होने थे तो हम भी ये सोच रहे थे कि एटलीस्ट हमें एक दो कॉम्पिटिशन मिलेंगे तो वी विल सी कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उसके बाद हम लोग, ताकि अच्छा परफॉर्म कर पाए अगले कॉम्पिटिशन में. लेकिन हाँ हाँ जी वो एक चीज बिल्कुल डिस्करेज करा है उस चीज ने, क्योंकि हमारी फिटनेस लेवल दोबारा बिल्कुल हमें दोबारा से फिटनेस लेवल करना पड़ रहा है, सब कुछ दोबारा से हाँ ठीक जी करना हाँ पड़ रहा जी है. लेकिन हाँ ये है कि जी हाँ जैसे हमें टाइम मिला है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, अगर इसे पॉजिटिव नोट में देखें तो ये अच्छा भी है कि हम हाँ लोग जी अच्छा क्या क्या पता जितना हम परफॉर्म कर रहे थे उससे और भी बेटर कर सकें. बेटर परफॉर्म करेंगे. या एग्जैक्टली चलो ओके सो आपको कुछ ऐसे बताना है कुछ ऐसे जनरली, तो यू नो यू आर फ्री टू डिस्कस एंड यू नो कैसा वहां माहौल पे माहौल और ये वो लाइक अभी ऐसा ही है कि हाँ हम जब थोड़ी बहुत पार्टीज वगैरह होती हैं तो किसी का बर्थडे है या वो हम सेलिब्रेट कर लेते हैं तो तो वो घर तो पे थोड़ी कोई नहीं रात को. मिस करता होगा ना, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत मतलब करने को मिलता होगा कि ठीक है एक गेट टुगेदर हाँ पार्टी वगैरह हो जाए यस तो अच्छा चलो सारे चलते हैं. एग्जैक्टली. तो इसीलिए फिर ऐसे मूड थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं. सैटरडे संडे हम लोग सभी एथलीट साथ में बैठ जाते हैं हॉस्टल में तो कुछ ना कुछ कई बार म्यूजिक के साथ हम डांस वगैरह यू नो ऐसे कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं ताकि अपना मूड थोड़ा घर से हटा के यहीं पे मेंटेन करें, ताकि यहीं पे रहना पड़ेगा तो अभी तो वही ओके चल रहा तो है. अभी क्वारंटीन में ऐसे काफी पता चला होगा, हम एथलीट्स तो हैं ही हैं, चलो हम हमारे पास एक इवेंट है, पर कईयों के पास और स्किल्स होते हैं, कोई कोई चीजों में और बढ़िया होता है, तो क्या हाँ पता चला है क्या किस कौन किस में क्या बढ़िया है स्किल्स उनके? अच्छा नहीं इतना तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ कई बार जब फ्री टाइम मिलता है तो कुछ ऐसे जैसे मोस्टली मैंने ये देखा है हमारे हॉस्टल में पेंटर्स बहुत हैं, मैंने जितने लोग एथलीट्स के रूम में जाके देखा ना ओके तो दीवारें सभी ने पेंट कर रखी हैं बहुत अच्छे से, और मतलब अभी अच्छा टाइम मिल रहा है एथलीट्स को तो रूम वगैरह डेकोरेट कर रहे हैं उससे मतलब अपने आप को टाइम दे पा रहे हैं ज्यादा एथलीट्स के साथ. पहले इतना हम लोग यू नो कन्वर्सेशन कर नहीं पाते थे एथलीट्स के साथ, ट्रेनिंग करी रेस्ट करी सो गए है ना, हाँ जी लेकिन हाँ अभी जी अभी वो सब चीजें हम लोग देख रहे हैं कि हर किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो अच्छा भी लग रहा है. लेकिन यार एग्जैक्टली अभी हम बात करें कोई ऐसे इवेंट जैसे कोई स्पोर्ट्स होते हैं जो ग्रुप गेम्स या जो ग्रुप इवेंट्स होते हैं जैसे कोई हॉकी या बास्केटबॉल या ये, तो उनकी वो टीम गेम टीम इवेंट होते हैं, तो वो उनका ऑलरेडी इतना वो होता है आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग हाँ होती है, सब अंडरस्टैंडिंग जानते ही हैं. तो जी एथलेटिक्स में क्योंकि इंडिविजुअल इवेंट्स है इस करके हम इतना वो बॉन्ड कर नहीं पाते बाकी कर नहीं एथलीट पाते से, हैं. तो
तो ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी कि हाँ बाकी के बिल्कुल जो फेलो एथलीट्स हैं उनसे मतलब एक हम थोड़ा ना यूनिटी वाली फीलिंग हाँ आए तो. हाँ उसी चीज के लिए लास्ट लास्ट वीक इन्होंने एक इवेंट कंडक्ट किया था, ऐसे ग्रुप गेम्स वगैरह ही कंडक्ट करी थी, हाँ तो जी, उसमें मैंने जैसे देखी थी इन्होंने पिक्चर्स. हाँ हाँ तो जी वो ऐसे लीडर कंडक्ट करे, उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग इवेंट्स के थे ना, तो कुछ ऐसे एथलीट्स के साथ भी इंटरेक्शन हुई जिन्हें हमें कभी बुलाया ही नहीं था। वो जब टीम में ओके थे तो वो एक टीम स्पिरिट की हाँ नहीं अच्छा करना है लेट्स डू इट एंड ऑल, है ना, तो वो हाँ मतलब जी बहुत सही है। उस टाइम पे ऐसे मन नहीं करा कि घर जाना चाहिए, हमें सारे इवेंट्स ओके थे जो 400 मीटर वाले थे उन्हें शॉर्ट पुट भी करना पड़ा, हमें 200 भी भागनी पड़ी, हमें थ्रोअर्स को, ओके तो ओके दैट वाज रियली फन। तो वो उस टाइम पे इंटरेक्शन काफी अच्छी हुई, काफी एथलीट्स को जानने को मिला, तो अच्छा भी लगता है ऐसे हम लोग हाँ जब जी बात करते हैं। वैसे तो हम बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें हाँ अपनी ट्रेनिंग जी पे अपने पे फोकस कर रहे होते हैं, हाँ इंडिविजुअल जी गेम हम हाँ लोग, जी हाँ जी बट अभी वो चीज कवरअप हो रही है, तो इट वॉज गुड। चलो दैट्स नाइस. और ये पार्टीज हाँ वगैरह होती है तो केक कौन लेकर आता है? बाहर तो जाना अलाउड नहीं तो केक ये ऐसे करते हैं, एक दिन पहले ही लाके इनको फ्रिज में रखवाना पड़ता है बाहर, क्वारंटाइन, केक को भी क्वारंटाइन करते हैं, उसके बाद उन्हें ओके, अंदर लाते केक्स को हैं। भी क्वारंटीन. ओके, वो एक एग्जैक्टली, दिन बहुत फ्रिज में. हाँ जी बहुत हाई लेवल पे हमारी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, या फिर लड़कियां कुछ अंदर खुद ही कुकिंग कर रही हैं तो वो खुद ही केक वगैरह भी ओके प्रिपेयर कर लेती हैं, तो अभी तो ओके जैसे हमें बहुत ज्यादा क्वारंटीन कर रखा है। ओके पर क्वारंटीन में कुकिंग वगैरह का तो सबका ही मैंने देखा है. हम मैंने तो आप बहुत इतना सब कुछ बना लिया घर पे क्वारंटीन में ना, ए हाँ टू जेड सारी डिश जो बाहर मिलती है वो घर पे भी वो बना सब ली है. हाँ जी, असल में मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे हम क्वारंटीन से बाहर जाएंगे ना तो सारे एथलीट्स कुक ही बनेंगे, क्योंकि हर एक बंदा शेफ बनने के लिए मास्टर तैयार, मेरे तो कुछ फ्रेंड भी मास्टर शेफ एथलीट्स का करवा सकते हैं एक मास्टर शेफ, कि कौन कितनी हाँ अच्छी डिश जी बनाता है, बिल्कुल पकौड़े हाँ यहाँ जी बनाते हैं, और मेरी तो एक फेलो एथलीट थी उसने गोलगप्पे बनाए थे एक दिन यहाँ पे, तो अच्छा. हाँ तो अलग अलग, तो हम लोग ऐसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बर्तन दे दिए तो वहां से कुछ ना कुछ बन के आ जाता है, तो ठीक इट्स अ है गुड थिंग, तो वो सही टाइम पास हो ओके. रहा है यहाँ। हाँ जी मजा या आता होगा. हाँ जी तो स्ट्रेंथ कितनी और कितनी हॉस्टल में आपकी गर्ल्स एथलीट्स अभी वो कितनी होंगी? तो आई थिंक 20-25 एथलीट होंगी मोस्टली, क्योंकि वेट लिफ्टिंग के भी हैं कुछ पांच छह ओके लड़कियां, और बाकी हम एथलेटिक्स की हैं, और अभी तो बॉक्सिंग का भी ओके कैंप आया तो वो लड़कियां भी हैं यहाँ पे, उनके साथ इतनी ओके इंटरेक्शन हो हाँ नहीं पाई क्योंकि वो अभी नहीं आई हैं, लेकिन हमारी जी वेट लिफ्टिंग के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन गई है यहाँ पे। ओके. थ्रोअर्स भी वेट लिफ्टर्स क्योंकि से काफी कनेक्ट कर पाते होंगे क्योंकि कनेक्टेड हमको भी बहुत वेट उठाना आपको भी पड़ता होगा है ना. तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो हाँ हमारी जी उनके साथ तो पहले से इंटरेक्शन अच्छी है, तो अभी जैसे हम लोग नीचे वगैरह डांस वगैरह करते हैं तो वो लोग भी हाँ आते हैं जी एंजॉय करते हैं हमारे साथ, तो ठीक हाँ है ऐसे जी चलो हो रहा है, टाइम कट रहा है, घर की याद थोड़ी कम आ जाती है ऐसे, नहीं तो संडे सैटरडे संडे तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं हम लोग, क्योंकि वैसे तो पूरा टाइम ट्रेनिंग में निकल जाता है, हाँ लेकिन सैटरडे जी वो संडे जो है उस टाइम पे मन करता है घर वीकेंड जाने का। हम तो पूरा 5 days 6 days इतना वो करके ट्रेनिंग करके फिर होता है कि चलो वीकेंड पे थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाए ताकि रिलैक्स हो नेक्स्ट वीक जाए, के प्रिपेयर करना. तो प्रिपेयर है या दैट्स अ गुड थिंग. पांडा एंड टेल मी दैट पांडा स्टोरी. जो आपके पीछे पांडा है वो क्या आप यू लाइक पांडास? आई लाइक टू डेकोरेट माय रूम, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे रूम ओके में करती रहती हूँ, यू कैन सी ये ओ सब, या हाँ जी तो ये क्रिसमस पे कुछ बना रखा था, तो मतलब मुझे वॉल हाँ स्टिकर जी कुछ एंड इवन आई लाइक पांडा सा लॉट, दोज पांडास आर वेरी या राइट क्यूट क्यूट राइट वेरी क्यूट है लड़के राइट. या अभी थे। ऐसे जब हम बाहर होते हैं तो इनफैक्ट मैं भी LNCP में रही हूँ ट्रिवेंड्रम में. तो हाँ तब एग्जैक्टली जब हम रहते हैं थोड़ा अलग रहते हैं तो हमको होता है कि चलो हम रूम में आए तो थोड़ा वार्म फील हो थोड़ा कोजी हो तो ये हाँ सब डेकोरेशन से हाँ थोड़ा मूड अपलिफ्ट हो थोड़ा जाता है. घर जैसा माहौल भी लगता है, तो फिर घर की हाँ याद जी भी वही कम ना आती है। फिर याद भी कम आती है. हाँ जी बिल्कुल मैं रही थी जब ट्रिवेंड्रम में तो फिर मुझे भी काफी क्योंकि मैं तो घर से कभी बाहर गई ही नहीं हूँ एंड मेरे को तो इतना ज्यादा वो फील हो रहा था कि घर की काफी आई वाज वेरी होम से. तो अभी घर पे हूँ तो साथ इतने महीने से साथ में ही हूँ घर वालों के
तो अभी उनका है कि चलो ठीक है अब बहुत हो गया साथ में, अभी थोड़ा बाहर जाने दो। तो जब प्रैक्टिस बाहर होते तो घर की आदत करो। ही, घर पे होते हैं तो बाहर जाते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे तो बिल्कुल रहता ही है, यही प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ यहाँ पे अगर छुट्टी वट्टी मिल जाए तो घर जाए तो थोड़ा थोड़ा अच्छा भी फील होता हाँ है। जी हाँ जी हाँ हम जी अपने फॉलोवर्स के कमेंट्स के आंसर दे देते हैं अभी, नहीं तो वो कहेंगे हाँ जी अपनी हाँ बातें जी कर रहे हो, हमारे साथ भी बात कर ओके लो। ओके गाइस, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। सो या आपको जो पूछना है पूछ सकते हो नवजीत से या मुझसे। हाँ एग्जैक्टली। ओके, हु इज भुट्टा खैरा खारा, नाम बड़े खतरनाक है। व्हाट इज योर बेंच बेस्ट बेंच प्रेस? माय बेस्ट बेंच प्रेस इज 120 kg। ओह डैम, या बिकॉज वी चोर्स हैव अ नाइस बेंच प्रेस। या ओके आई एम वेरी बैड एट बेंच प्रेस एक्चुअली। मेरा मुश्किल से 45 होगा ओके। नहीं, हम तो वार्म अप में वैसे 60 से शुरू करते, 50-60 में। ओह स्ट्रांग थ्रोअर्स पीपल। आर स्ट्रॉन्ग इनफ। आपसे यस पूछ रहे हैं कि आपकी बेस्ट मैच कितनी है नवजीत। ओके, माय बेस्ट स्नैच इज 80 kg। 80, ओह या जो बिगेस्ट मतलब अभी चैलेंज वो ऑफ इन इंडिया, एथलेटिक्स इन इंडिया। या व्हाट डू यू व्हाट डू थिंक यू इज द थिंक? बिगेस्ट चैलेंज, व्हाट डू यू बट थिंक। आई थिंक या बिगेस्ट चैलेंज इज कि मुझे ऐसा लगता है कि एथलेटिक्स हमारे इंडिया में टैलेंट बहुत है, लेट मी बी हाँ वेरी जी फ्रैंक, क्योंकि नेचुरली पॉपुलेशन ज्यादा है तो टैलेंट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन चैलेंज इज कि कोचेज उतने अच्छे हमारे पास ना अवेलेबल नहीं है, या ग्राउंड्स नहीं अवेलेबल। जो रूरल एरिया है एग्जैक्टली वहां पे बेस होनी चाहिए, क्योंकि वहां हाँ पे जी ही टैलेंट बेसिक सबसे ज्यादा, तो हाँ उस जी चीज पे हम हाँ लोग थोड़ा लैक कर रहे हैं। अगर वहां पे ग्राउंड्स हो और जो रूरल एथलीट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा भी एक्सपोजर मिले ना, तो दैट वुड बी वेरी वेरी गुड। एग्जैक्टली थोड़ा अवेयरनेस या की भी आई थिंक कमी है कि हम, हाँ एग्जैक्टली। बिकॉज वही ना, थोड़ा रिसोर्सेस अगर बेटर होंगे तो फिर उनको पता चलेगा ओके देयर समथिंग लाइक दैट जो एग्जिस्ट करता है चीज, करता तो है मेरे ख्याल यस। से थोड़ा। बट अभी काफी इम्प्रूवमेंट्स हो रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और अवेयरनेस की। लेट्स सी हाँ नहीं, अभी वो अभी आ तो रहा काफी, है। अभी तो हाँ काफी लोगों को पता चल गया एथलेटिक्स भी एक गेम है, नहीं तो पहले जी तो यही नहीं हाँ पता जी था। हाँ बिल्कुल। जी वही हाँ जी ओके। कभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद भी ऐसा लगता है यार सब आज है मुझसे नहीं नहीं देखो, होगा। ये ऐसे होता है, हर एथलीट के साथ होता है। लेकिन अगर आप उस ट्रेनिंग पार्ट को अगर खराब हुई है वहीं छोड़ के आ जाओ ना, और अगली ट्रेनिंग के लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करके जाओ ग्राउंड पे, तो ये हाँ सारी जी चीजें ये हर एथलीट फेस करता है। कई बार अच्छी ट्रेनिंग होती है, कई बार एग्जैक्टली खराब भी होती है। लेकिन खराब अगर हम होती है। ये हाँ जी सोचने लग जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो भाई वो हाँ वैसे ही जी होगा अगर आप उसे डिमोटिवेटेड तरीके से लोगे एग्जैक्टली तो आई थिंक हम अपना खुद का अपने आप को जितना हम खुद मोटिवेट कर सकते हैं उतना कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। सो नहीं कर दैट इज वेरी सकता। इम्पोर्टेंट कि हम मेंटली इतना स्ट्रांग रहे कि इवन दो अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई या कोई अच्छा दिन नहीं है फिर भी हम इतना मोटिवेटेड हों कि ओके आज नहीं हुआ कोई बात नहीं अब कल मैं इसे बेटर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो हियर इज हेलो निहारिका वंशित, हाउ इज योर ट्रेनिंग गोइंग ऑन? ओके सो आई ऑलरेडी टोल्ड कि आई एम गोइंग प्रीटी फाइन अभी एज आई टोल्ड यू कि हमारा तो खुद का ही ग्राउंड है। सो फिर अपना ही है फिर चल रहा है जब जाना जब मन करता है चल जाने जब नहीं करता। सो इट्स गोइंग नहीं प्रीटी फाइन एंड मेरे कोच भी बहुत मोटिवेटिंग है और मेरे को काफी यू नो खींच के रखते हैं तो यार ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है। एग्जैक्टली बिल्कुल, कोच अच्छे हो तो ट्रेनिंग वैसे ही अच्छी हो जाती है, खींच के रखे हैं एथलीट को तो। क्योंकि हाँ हमें जी कभी कभी एग्जैक्टली खींच के रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमारा नहीं भी मन करता, कई बार कह देते हैं हाँ नहीं जी आज मेरे को वही है नहीं है, ना तो हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। जी एग्जैक्टली फिर ओके, ओके। सो एनी फर्दर क्वेश्चन पीपल, यू नो ओपी, यू ओके नो ओपी। ओपी ओपी नहीं भाई, मेरे साथ होता है कभी कभी जब मैं फाइट कर जाता हूँ, फाइट हार फाइट जाता हार हूँ। जाता,
नो ओके प्रॉब्लम, हार जीत तो चलती रहती है, इट्स ओके okay. हाँ दैट्स अपनी अ पार्ट हार ऑफ से लाइफ सीखो. आई थिंक दैट वुड बी या वेरी गुड. लर्निंग इज अगर इम्पोर्टेंट या अगर वो हार को ये सोचने लग जाओगे कि मैं तो हार गया, मैं नहीं ट्रेनिंग करूंगा, अगर ये सोचो कि मैं हारा क्यों, तो दैट वुड हेल्प यू अगली फाइट एग्जैक्टली जीतने के लिए. वो चीज जो अगर हम अपना पूरा एनालाइज करें कि अच्छा यहाँ पे कहाँ पे कमी रहेगी या ये वो और वो नेक्स्ट उसमें इम्प्रूव करें तो हमको ऑब्वियसली दैट हाउ वी ग्रो राइट तो एग्जैक्टली. या मैम अभी तो निहारिका जी, हम मैं पता भी कहना, नहीं निहारिका जी आप मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो. नाइस, मैं आपको बहुत इंस्पायर्ड करता हूँ. ओके नाइस. थैंक यू गुड. हेलो 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 ट्रेनिंग कैसी है 20 में कॉम्पिटिशन है कब है दीदी नहीं, नहीं. जी नॉट श्योर, अभी कुछ नहीं पता. अपने आप को प्रिपेयर रखो, ऑफ सीजन करना शुरू कर दो. मैं तो कह रही हूँ कि कंपटीशन होगा 1 महीने पहले पता चल जाएगा, और 1 महीना स्पीड ऑफ वर्कआउट करने के लिए आई थिंक दैट वुड बी इनफ. सो या प्रिपेयर, राइट कीप प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, यू नो दैट सो इज. अभी मेरे को एक क्वेश्चन आया है कि निहारिका आप ऑन कर रहे हो या नहीं आपके पेरेंट्स आपको फोर्स नहीं करते जॉब के लिए तो आई एम वेरी लकी एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि अभी फिलहाल आई एम जस्ट डूइंग माय स्पोर्ट्स एंड अभी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं इतना अभी जॉब के बारे में नहीं सोच रही एंड थैंकफुली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं उन्होंने मेरे को कभी नहीं कहा आज तक की डेट में कि अच्छा अब आप जॉब ले लो या ऐसे कुछ सो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील कि ओके अब क्योंकि अभी अब लग रहे हैं उन यही रीजन है ना कि उनको है कि एक लेवल अच्छे लेवल पे खेल के उसके बाद फिर सारी जिंदगी जॉब ही करनी है एग्जैक्टली. आई थिंक तो अगर एक अच्छे लेवल में मेडल आया हो ना, तो जॉब भी अच्छी मिल जाती है. इफ यू आर गुड इन स्टडीज, एग्जैक्ट दैट वही वुड, ना वो या तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है साथ में. हाँ जी हाँ जी गुरदीप ब्रो, मैं फिट पूरा वेट कटा रहे हैं. ओ वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड. यू ओके ही इज अ वेट लिफ्टर एंड आई थिंक ही इज कमिंग ओके ओलंपिक चैंपियन. ही वुड बी लाइक अ दैट्स नाइस या सो वी आर होपिंग अ लॉट ऑफ मेडल्स फ्रॉम यू ब्रदर. गिव इट अप. व्हाट इज द लॉन्गेस्ट यू गाइस हैव रन ओके तो कितने किलोमीटर आपने लगाई है सर मैराथन ऑफ जीत मैराथन. ओके, मैंने अब मेरी बेस्ट है 3 किलोमीटर, दैट्स इट. थ्री किलोमीटर एंड आई ओके थिंक दिस इज इनफ फॉर आवर थ्रोअर्स. आई थिंक या एग्जैक्टली हाँ जी वी डोंट नीड स्टेमिना, वी नीड मोर स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ सो राइट व्हाट इज योर लॉन्गेस्ट रन? मेरी एक्चुअली मैंने 7 किलोमीटर अभी लगाई थी थोड़े हफ्ते यू नो बैक 1 महीने पहले सो आई थिंक वो ओके 7 किलोमीटर लगा के आई जस्ट सैट एंड आई स्टार्टेड क्राइंग ओ माय गॉड मैं नहीं और लगा सकती 7 किलोमीटर एंड या बट ठीक है अब वही ना बिकॉज वी हैव टू रन उतना ही 30-40 मीटर स्पीड एंड्योरेंस यू नो 300 मीटर 400 मीटर तक ठीक है बट उसके हाँ बाद एग्जैक्टली. नो 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 ओके ग्रेट. आई एम योर बिगेस्ट फैन ऑफ जीत चलो ओके थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. पिंटू जेवलिन 800 मीटर हेलो दीदी हाय ओके पिंटू दिस गाय प्रैक्टिसेस विद मी तू कहाँ पे आजकल पिंटू आता ही नहीं है ग्राउंड गाय भी हो गया मैम अभी तो पता नहीं कंपटीशन कब होगा, कौन सा गुडनेस मी सेशन स्टार्ट करें. वी ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस दैट स्टार्ट डूइंग ऑफ सीजन. आई ऑफ थिंक सीजन राइट यू अपने नो अपने इट्स फॉल्ट्स पे काम टाइम करें या टेक्निक पे काम करें, जो भी है. सो आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. अब मौका है कुछ खास दिखा जुलवा दिखा जुलवा सुन बिल्कुल. ओके के जाता हूँ और बस यही थिंक करता हूँ मैं जब बाहर वाले देश में फर्स्ट पोडियम खड़ा होऊंगा जब नेशनल एंथम चलेगा वो फीलिंग ही काफी कुछ और होगी सो फिर एग्जैक्टली वेट दैट एग्जैक्टली फीलिंग या नवजीत वो आप बताओ आपको कैसा ऐसा जब नेशनल एंथम आप सुनते हो तो क्या गूज बम्स आते हैं राइट गूज़बम्स ही आते हैं, और ऐसे लगता है कि यार दिस इज द एवरी एथलीट्स ड्रीम. आई थिंक कि हम अपने
अपने नेशनल एंथम को सुने एक बार उस जगह पे खड़े होके। एंड आई थिंक कि नेशनल एंथम सुनना और पोडियम पे खड़े होना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि बिकॉज आई जस्ट रिमेम्बर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब मैं गई थी जूनियर एथलेटिक में, हाँ तो जी उस टाइम हाँ पे आई जी आई सॉ द पोडियम एंड इट वॉज लाइक कि दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू स्टैंड। सो दैट्स वो राइट फीलिंग जब हम खड़े होते हैं जाके एंड वी सॉ आवर नेशनल फ्लैग गोइंग अप, दैट इज द बेस्ट मोमेंट आई थिंक। दैट्स द बेस्ट फीलिंग राइट एब्सोल्युटली या रणजीत अभी एक एग्जैक्टली हमारी वजह से अगर एक हमारी नेशनल एंथम और बजे तो यू नो दैट्स हाउ वी कैन मेक आवर कंट्री प्राउड एंड यू नो दैट्स इट एग्जैक्टली Who बिल्कुल। is your inspiration, Ajit? Who inspires you? Who inspires me? I think my inspiration, I have a lot of inspirations actually in my house only. सबसे बड़ी inspiration तो actually my mother, because she was a hockey player, so she Yes, sir. represented India in Asian Games and won medal over there. So I think she inspires me at every moment, because that woman, she made herself इतनी respectful job पे हैं आप वो, और वो एक बहुत normal family से belong करती थी and she हाँ achieved जी so much in her life here, मतलब कि राइट 84 वाली जो एशियन गेम्स थी, जो हाँ पहले जी 82 में एशियन गेम्स होनी थी उनमें उनकी सिलेक्शन थी ऑलमोस्ट, एंड एक दिन जाने से पहले नाम कट गया, बट दैट वुमन शी डिडंट ओके गिव अप ऑन हर ड्रीम, शी सेड इट्स ओके अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट एशियन गेम्स में आई विल डेफिनेटली बी देयर, एंड देन शी वॉन द मेडल एंड आई थिंक दैट स्टोरी इंस्पायर्स मी सो मच दैट आई डोंट वॉन्ट टू गिव अप माई ड्रीम्स ऑन एनी कॉस्ट, सो शी इज माई इंस्पिरेशन। एंड हु दैट्स इज योर राइट इंस्पिरेशन हरिका? In fact, my biggest inspiration is my father, I would say, in term, because he's a self-made man. We basically, हमारा साड़ा जोड़ा पिंड है आनंदपुर साहब है ते माय डैड वाज ही वाज लाइक 18 इयर्स जदो मोहाली आ गए सी एंड यू नो उन्होंने इत्थे ही अपनी पढ़ाई की नाल जॉब भी करते सी ते मतलब इना मतलब काबिल उन्होंने बनाया अपने आप नो कि यू नो सानू वो जो हम साड़ी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा कर पा रहे हैं अभी सो इज अ या तो ही इंस्पायर्स मी कि अगर वो इतने कहीं कहीं से एक लेवल से उठकर एक अच्छे यू नो लाइफस्टाइल और एक अच्छे उसपे लेवल पे पहुंच सकते हैं तो चाहे नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स बट आप किसी भी फील्ड में हो तो यू नो दैट थिंग मैटर्स द मोस्ट सो आई क्योंकि थिंक ही अगर इंस्पायर्स मी एवरी हम डे लोग तो एथलीट्स हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि जो बंदा भी अगर अपने मन से कुछ करे ना, तो वो चाहे कोई भी फील्ड हो, सो हाँ दैट जी अगर वो उस पॉजिटिव एटीट्यूड में, एंड हमारे हाँ पेरेंट्स जी इतने हार्ड वर्किंग हैं एंड वी हाँ गॉट जी इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, एंड दैट इज आई हाँ थिंक कि जी घर पे इंस्पिरेशन हो ना तो हम उनको देख देख के बार बार हमें ये होता है कि हमें इनसे अच्छा करना है, बिकॉज दे वर पुटिंग सो एफर्ट फॉर अस, यू नो, हाँ जी सो आई हाँ जी थिंक कि हाँ वो एक जी बहुत हाँ बढ़िया जी बात है। हाँ या जी ओके दिलदानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला ओके आई एम फैन ऑफ सिद्धू मूसेवाला, यस आई एम, सो डू या आई एम ऑल्सो मैं भी बहुत बड़ी फैन हाँ सिद्धू जी दी ते यू नो उन्हां दे नाइस गाने जब आप जिम चुनते हैं तो फिर उन्हां तो इलावा कोई गाने और बजने ही नहीं चाहिए है नहीं बिल्कुल, तो चक बिकॉज चक नहीं सकते आप वेट उन्हां दे गाने बिल्कुल इंस्पिरेशन आते ही नहीं मिलते, बिकॉज आई ऑल्सो रिमेम्बर जदों भी लिफ्टां बेस्ट करनिया होंदिया और व्हेन वी यू यूज टू चेक आर लिफ्ट्स ना, फिर तो सिद्धू मूसेवाला ही बजना चाहिए था, यस बिकॉज ही राइट इज द एब्सोल्युटली बेस्ट। यस राइट या All in the ओके best. Okay, any more questions? People, Instagram, followers. Rajvinder. Hello, Saurabh Yadav. ओके आई थिंक क्वेश्चंस पूछ ले बड़े, हाँ जी ते काफी टाइम हो गया सो सानू पता ही नहीं लग गया या ते सो फिर ओके मिलते हैं फिर आप छेती फिर नवजीत श्योर, वी होप कि जल्दी कंपटीशन होवे, देन विल मीट अप श्योर डेफिनेटली, यस डेफिनेटली डेफिनेटली या सो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट टू ऑलराइट ऑल द ओके एथलीट्स हु आर ऑल वॉचिंग द अस बेस्ट एंड